अपने हैबिट्स को बदलो, इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, हम हमारी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। जो भी कोई आपको हैबिट है बुरी, तो वो हैबिट बदलना चाहते हैं। हैबिट होंगी आलसीपन की, हैबिट होंगी टीवी देखने की, हैबिट होंगी एक्सरसाइज नहीं करने की या लेट उठने की, हैबिट होंगी शराब पीना है, सिगरेट स्मोकिंग, चाय ज़्यादा पीना है, ऐसे कोई भी हैबिट हो सकती है। तो वह हैबिट जो है वो हम बदलना चाहते हैं, मगर पुरानी हैबिट आप जितनी बदलने की कोशिश करेंगे उतनी वहीं की वहीं रहती है। कभी ऐसा होता है कि हम नई हैबिट ले लेते हैं, अपना लेते हैं कि नहीं नया चालू करेंगे अभी, फिर वो नया कॉन्शियस माइंड में रहता है, कॉन्शियसली हमको उसके ऊपर ख्याल रखना पड़ता है कि हाँ मैं है ना अभी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, सिगरेट नहीं पीने का ऐसा कॉन्शियसली बताना पड़ता है। एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, चौथे दिन कुछ तो भी हो जाता है। हो सकता है कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कहीं लॉस हो गया, कुछ तो भी हो जाता है। कॉन्शियस माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा वो नई चीज की तरफ, सबकॉन्शियस माइंड फिर से अपना सिर बाहर निकालेगा और फिर सिगरेट पीना चालू हो जाएगा। सभी हैबिट का ऐसा है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इतना डिस्कम्फर्ट में जाता है जब आप नई हैबिट लाते हो तो, और ब्रेन जो है वो डिस्कम्फर्ट के लिए बना नहीं है, ब्रेन बना है कम्फर्ट के लिए। ब्रेन को चाहिए कंफर्ट, ब्रेन को चाहिए सर्वाइवल, कि कैसा भी करके आराम की जिंदगी जिए, कैसा भी करके सर्वाइव करे, जहां भी खतरा है वो नहीं करने का है। उसको ये नहीं समझता है कि चाय पीने से खतरा है, वो नहीं समझता उसको। उसको ये समझता है कि चाय नहीं पीने से खतरा हो रहा है, कि जब आप चाय पीते नहीं तो इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि ब्रेन को लगता है कि नहीं अभी इसमें बच नहीं सकेंगे, अभी चाय पीना ही पड़ेगा। या शराब का भी वैसे ही, जो भी करेंगे आप हैबिट, तो आपको जो भी हैबिट नहीं लाना है वो हैबिट को आपको धीरे धीरे लाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और वहां से डेविएट नहीं होने का है। हम इसलिए बोलते हैं कि भाई ब्रेन को, ब्रेन इज ए डिसीज, डिसीज मतलब ईज नहीं है, वो ईज नहीं है उसको डिसीज बोलते हैं। तो हमको जब डिसीज होता है मतलब बीमारी होती है, तो मन की बीमारी जो है वो अलग है, ब्रेन की बीमारी अलग है और वो बॉडी की बीमारी करती है। तो डिसीज मतलब उस समय जब आप नई हैबिट लेते हो और पुरानी हैबिट बंद करने की देखते हैं कि पुरानी बुरी हैबिट निकलना चाहिए और नई हैबिट लाना चाहिए, तो वो ब्रेन इज ए डिसीज, डिसीज सहन नहीं करता हो और वो बोलता कि नहीं पुराना ही हमको होना है। मतलब आपको कुछ भी नया करना है तो ब्रेन नहीं करने देगा, आप वही वही चीजें करेंगे बार बार बार। नया करने लगा तो वो डिसकम्फर्ट में जाता है, डिसीज हो जाता है, और वो पुरानी चीजें करने लगाएगा और वो बार 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 रिपीट करने लगाएगा। लोगों को और एक रहता है कि बाहर बताना है कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, तो लोग फिर बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स खरीद लेंगे, लोग बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, बहुत कीमती ड्रेसेस, चेन गले में, हाथों में अंगूठियां, ऐसा कि भी बताना पड़ता है कि मैं कितना बड़ा हूं। क्योंकि जो लोग अंदर से खोखला रहते हैं, जो लोग अंदर से जिनका डब्बा बजा हुआ है, तो उनको बाहर बताना पड़ेगा। खाली डब्बा जो ज्यादा आवाज करता है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, तो जो खाली है अंदर से उसको बताना पड़ता है। जो भरे हुए अंदर से, जो उनको मालूम है कि अपन है, अपने पास में है सब कुछ, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जिनको जो नहीं है बताना पड़ता है। आपको ये पता है कि आप समझो पुरुष है, तो आपको बताना पड़ता है कि बार बार मैं पुरुष हूं, पुरुष हूं, पुरुष हूं। नहीं, आपको मालूम है और आप क्लियर है कि मैं पुरुष हूं, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं पुरुष हूं। जो पुरुष नहीं है उसको बताना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं। जिसको लोग चिढ़ा देते हुए है ना, बायला जैसा करता है, तो लड़की जैसा है, उसको बताना पड़ता है बार बार कि मैं भाई वैसा नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा उसको बताना पड़ेगा। जो पुरुष है उसको बताना नहीं पड़ता। वैसे ही इसका है कि आपके पास में कितना है, वहां से फिर लोग ज्यादा बताने की कोशिश करते, जो खाली है वो ज्यादा बताते हैं, बड़ा बताते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत में रहना वो भी एक आपको खतरा हो सकता है, ये भी हैबिट आपको तोड़नी पड़ेगी। लोग EMI के ऊपर मोबाइल लेंगे, EMI के ऊपर कार लेंगे, EMI के ऊपर बाइक लेंगे, EMI के ऊपर मकान खरीदेंगे, सब EMI के ऊपर खरीदेंगे, पूरा तनख्वाह आता है और 1 तारीख को पूरा EMI में चले जाता है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। तो जो लोग हमेशा कर्जे में हैं उनके पास में मत रहो। जो लोग बड़ा बड़े जाओ बता रहे और खोटा है, खोखला है अंदर से, उनके साथ में मत रहो, क्योंकि वो आपको कब डुबाएंगे बोल नहीं सकते। आप वो लोगों के साथ में रहना है कि जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, जो लोगों के ऊपर कर्जा नहीं है, जो लोग बाहर अंदर से खोखला है, बाहर से बता रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा, आपको मालूम है कि अंदर से कुछ नहीं है, तो वो लोगों के साथ में रहना नहीं है। जो लोग एक्चुअली है वो बताते हैं, एक्चुअली जो है वो दिखाते हैं,
और जो लोग सच्चे हैं, प्रामाणिक है, वो लोगों के संपर्क में रहो। तो ये हैबिट आपको डालनी है, और नई कुछ भी हैबिट आपको डालनी है तो पुरानी हैबिट को वैसे ही रखना है, उसको निकालने की कोशिश मत करो, नई हैबिट पाने की कोशिश करो। आप जितना नया जितना नया जितना नया डालेंगे, जितना उसको परसिस्टेंटली बार 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 करेंगे, उतनी पुरानी हैबिट धीरे 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 कम हो जाएंगी। हमारा ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केयर ऐप, और उसमें से आपको अपॉइंटमेंट, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट्स, चैटिंग सब मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।